भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा ऑडिट सप्ताह के अंतर्गत शिमला स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में नॉर्थ जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 23 से 25 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने किया। बताते चले इस नॉर्थ जोन बैडमिंटन प्रतियोगिता में करीबन 5 राज्यों की टीमें भाग ले रही है। वहीं इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही सभी टीमों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलों का जीवन में अहम महत्व है, इससे शरीर निरोग रहता है। स्वागत करता हूं प्रदेश का राज्यपाल होने के नाते मेरा दायित्व बनता है आप सबका स्वागत करूं। वैसे तो आप शिमला के मौसम के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे या अनेक लोगों ने इसका अनुभव भी किया होगा, परंतु आज इस खेल के वातावरण में आप सब आए हैं और इस ठंडे वातावरण में कुछ जोश गर्मी निर्माण करने का आपका भी कुछ काम बनेगा ऐसा मुझे लगता है, और वो आप करने वाले हैं। और ऐसे सुनहरे मौके पर भाषण करना उचित नहीं है, क्योंकि आप सब तो मैदान में उतरे हैं और हमको स्टेज पर यहाँ खड़ा रहकर भाषण करने को कहा गया है। फिर भी ऐसे अवसरों पर जिसको बुलाया गया है उसको भाषण करने के लिए देना एक संकेत होता है, सभ्यता का लक्षण होता है। मैंने और भाइयों, वैसे मैंने कहा कि ये भाषण करने का समय बिल्कुल नहीं है। आज आप यहाँ एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, परंतु अपने नॉर्थ जोन के ऑडिट एंड अकाउंट्स के सभी अधिकारी खेल के मैदान में उतरकर, वैसे वास्तव में जिनके हाथ में लिखनी होती है, पेन होता है, वो अभी बैडमिंटन का रैकेट लेकर उतरे हैं और शटल के साथ खेलने वाले हैं। अर्थ प्रकाश के लिए शिमला से देव की रिपोर्ट।